पार्टनरशिप के क्वेश्चन में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो है इन्वेस्टमेंट का रेशियो और टाइम पीरियड का रेशियो इन्वेस्टमेंट के रेशियो को टाइम पीरियड के रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रॉफिट का रेशियो मिल जाता है टू पर्सन ए एंड बी दे इन्वेस्टेड फोर्टी एट हंड्रेड एंड सेवेंटी टू हंड्रेड विच इज इन द ऑफ बी इन्वेस्टेड फॉर टू मोर मंथ्स देन ए तो टाइम अगर ए का एक्स है तो बी का एक्स प्लस टू मंथ्स तो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो टू एक्स इज टू प्लस सिक्स के रेशियो में होगा मल्टीप्लिकेशन एंड इट इज गिवन दैट इफ द टोटल एन्यल प्रॉफिट इज 5750 सेवन फाइव जीरो एंड देयर ऑफ ए इन द प्रॉफिट इज 2000 अब अगर ध्यान से देखोगे तो ए को 2x दोगे तो बी को थ्री प्लस सिक्स देना पड़ेगा मतलब ए और बी को मिलाकर अगर आप 2x और 3x, 5x फाइव एक्स प्लस सिक्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसमें से a का हिस्सा जो है वो 2x होना चाहिए तो a का हिस्सा से 2x है एंड इट इज गिवन दैट हिज शेयर इज 2000 थाउजेंड आउट ऑफ फाइव सेवन फाइव जीरो 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 कट सकता है बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फाइव सेवेंटी फाइव का डबल Is 1150 because so ka double hota hai so ka double pacha. So 1150x equal to 200 into 5 is 1000x plus 200 into 6 is 1200. So 150x is equal to 1200. That means x is 8. They are saying for how many months did B invest? So B we have assumed x plus 2 months and x is 8. So answer is 10 be invested for